दिल्ली से उसके पति का तबादला जब हैदराबाद की वायुसेना अकादमी में हुआ था, तब उसने उस नई जगह के बारे में उत्सुकतावश पति से कई प्रश्न पूछ डाले थे। उसके पति अरुण ने बताया था कि अकादमी हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर है। वायु सैनिकों के परिवारों के अलावा वहां और कोई नहीं रहता। काफी शांत जगह है। यह सुनकर रेखा काफी प्रसन्न हुई थी। स्वभाव से वह संकोच प्रिय थी। उसे संगीत और पुस्तकों में बहुत रुचि थी। उसने सोचा, चलो 3 साल तो मशीनी शहरी जिंदगी से दूर एकांत में गुजरेंगे। अकादमी में पहुंचते ही घर मिल गया था, यह सबसे बड़ी बात थी। बच्चों का स्कूल, पति का दफ्तर सब नजदीक ही थे। बढ़िया पुस्तकालय था और मैस कैंटीन भी अच्छी थी। पर इसी कैंटीन से उसके हृदय के फफोलों की शुरुआत हुई थी। वहां पहुंचने के दूसरे ही दिन उसे कुछ जरूरी कागजात स्पीड पोस्ट करने थे, इसलिए उन्हें बैग में रख कर कुछ सामान लेने के लिए वह कैंटीन में पहुंची। सामान खरीद चुकने के बाद घड़ी देखी तो 1 बजने को था। अभी खाना नहीं बना था। बच्चे और पति 1:30 बजे खाने के लिए घर आने वाले थे। सुबह से ही नए घर में सामान जमाने में वह इतनी व्यस्त थी कि समय ही न मिला था। कैंटीन के एक कर्मचारी से उसने पूछा, यहाँ नजदीक कोई पोस्ट ऑफिस है क्या? नहीं, पोस्ट ऑफिस तो। तभी उसके पास खड़े एक व्यक्ति, जो वेशभूषा से अधिकारी ही लगता था, ने उससे अंग्रेजी में पूछा था, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं उधर ही जा रहा हूँ। थोड़ी सी झिझक के साथ ही उसके साथ चल दी थी और उसके प्रति आभार प्रदर्शित किया था। रेखा शायद वह बात भूल भी जाती, क्योंकि नील के व्यक्तित्व में कोई असाधारण बात नहीं थी। लेकिन उसी शाम को नील उसके पति से मिलने आया था और फिर उन लोगों में दोस्ती हो गई थी। नील देखने में साधारण ही था, पर उसका हंसमुख मिजाज, संगीत में रुचि, किताबी भाषा में रसीली बातें करने की आदत और सबसे बढ़कर लोगों की अच्छाइयों को सराहने की उसकी तत्परता, इन सब गुणों से रेखा पता नहीं कब दोस्ती कर उसके बहुत करीब पहुंच गई थी। नील की पत्नी अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी और विशाल संपत्ति की मालकिन। अपनी संपत्ति को वह बड़ी कुशलता से संभालती थी। बच्चे वहीं पढ़ते थे। छुट्टियों में वे नील के पास आ जाते या नील बेंगलुरु चला जाता। लोगों ने उसके और उसकी पत्नी के बारे में अनेक अफवाहें फैला रखी थी। कोई कहता, बड़ी घमंडी औरत है, नील को तो अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझती। दूसरा कहता, नहीं भाई, नील तो दूसरी लड़की को चाहता था, लेकिन पढ़ाई का खर्चा देकर उसके ससुर ने उसे खरीद लिया। स्त्रियां कहती, वह इसके साथ कैसे खुश रह सकती है, उसे तो विविधता पसंद है। लेकिन नील इन सब अफवाहों से अलग था। वह जिस तरह सबसे मेलजोल रखता था, उसे देखकर यह सोचना भी असंभव लगता कि उसकी पत्नी से पट्टी नहीं होगी। रेखा को इन अफवाहों की परवाह नहीं थी। दूसरों की त्रुटियों में उसे कोई रुचि नहीं थी। जल्दी ही उसे अपने मन की गहराइयों में छिपी बात का पता लग गया था, और तब गहरे पानी में डूबने वाले व्यक्ति की सी घुटन उसने महसूस की थी। यह क्या हो गया? यही वह अपने आप से पूछती रहती थी। रेखा को पति से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वह उसे प्यार ही करती आई थी। अपने बच्चों से, अपने घर से उसे बेहद लगाव था। शायद इसी को वह प्यार समझती थी। लेकिन अब 40 की उम्र के करीब पहुंचकर उसके मन ने जो विद्रोह कर दिया था, उससे वह परेशान हो गई थी। वह नील से मिलने का बहाना ढूंढती रहती। उसे देखते ही रेखा के शरीर में एक विद्युत लहरी सी दौड़ जाती। नील के साथ बात करने में उसे एक विचित्र आनंद मिलता, और सबसे अजीब बात तो यह थी कि नील की भी वैसी ही हालत थी।
रेखा उसकी आंखों का प्यार, याचना, स्नेह, परवशता सब समझ लेती थी और नील भी उसकी स्थिति समझता था। वहाँ के मुक्त वातावरण में लोगों का ध्यान इस तरफ जाना आसान नहीं था और इसी कारण से दोनों दूसरों से छिपकर मानसिक साहचर्य की खोज में रहते और मौका मिलते ही कुछ साहचर्य का आनंद ले लेते। अजीब हालत थी, जब मन नील की प्रतीक्षा में मग्न रहता तभी न जाने कौन उसे धिक्कारने लगता। कई बार वह नील से दूर रहने का निर्णय लेती पर दूसरे ही क्षण न जाने कैसे अपने ही निर्णय को भूल जाती और नील की स्मृति में खो जाती। रेखा अरुण से भी लज्जित थी। अरुण की नील से अच्छी दोस्ती थी, वह अक्सर उसे खाने पर या पिकनिक के लिए बुला लाता। ऐसे मौकों पर जब वह मुग्ध सी नील की बातों में खो जाती तब मन का कोई कोना उसे बुरी तरह धिक्कारता। रेखा के दिमाग पर इन सब का बहुत बुरा असर पड़ रहा था। न तो वह हैदराबाद छोड़कर कहीं जाने को तैयार थी, न हैदराबाद में वह सुखी थी। कई बार वह छोटी सी बात के लिए जमीन आसमान एक कर देती और किसी के जरा सा कुछ कहने पर रो देती। अरुण ने कई बार कहा, तुम अपनी बहन सुधा के पास 15 से 20 दिनों के लिए चली जाओ रेखा, शायद तुम बहुत थक गई हो, वहाँ थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। रेखा की आंखें इन प्यार भरी बातों से भर भर आती, लेकिन बच्चों के स्कूल का बहाना करके वह टाल जाती। ऐसे में उसने नील के तबादले की बात सुनी, उसका हृदय धक से रह गया। इसकी कल्पना तो उसने या नील ने कभी नहीं की थी। हालांकि दोनों में से एक को तो अकादमी छोड़कर पहले जाना ही था। दिल्ली से उसके पति का तबादला, जब अब क्या होगा, रेखा सोचती रही इतनी जल्दी। एक दिन नील का मैसेज आया, उसने स्पष्ट शब्दों में पूछा था, क्या तुम अरुण को छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो, बहुत संभव है कि फिर हमें एक साथ एक जगह रहने का मौका कभी न मिले, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा पता नहीं, पर मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा, सोच कर मुझे बताना, सिर्फ हाँ या न कहने से मैं समझ जाऊंगा, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। रेखा ने मैसेज कई बार पढ़ा, हर शब्द जलते अंगारे की तरह उसके दिल पर फफोले उगा रहा था। आगे के लिए बहुत सपने थे, अरुण से भी बेहतर आदमी के साथ एक सुलझा हुआ जीवन बिताने का निमंत्रण था, और पीछे 17 साल से तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाया हुआ छोटा सा घरौंदा था। प्यारे प्यारे बच्चे थे, खूबियों और खामियों से भरपूर मगर प्यार करने वाला पति था, सामाजिक प्रतिष्ठा थी और बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर था। लेकिन उन्हीं के साथ उसी घरौंदे में विलीन हो चुका उसका अपना निजी व्यक्तित्व था। कितने टूटे हुए सपने थे, कितनी राख हो चुकी उम्मीदें थी, बहुत से छोटे बड़े घाव थे। अब भी याद आने पर उनमें से कभी कभी खून बहता है। चाहे प्रौढ़त्व ने अब उसे उन सब दुखों पर हंसना सिखा दिया हो, पर यौवन के कितने अमूल्य क्षणों का इसी पति की जिद के लिए, उसके परिवार के लिए उसने गला घोंट लिया। शायद नील के साथ का जीवन इन बंधनों से मुक्त होगा, शायद वहां साहचर्य का सच्चा सुख मिलेगा, शायद, लेकिन पता नहीं। अरुण के साथ कई वर्ष गुजारने के बाद अब वह क्या नील की कमजोरियों से भी प्यार कर सकेगी, क्या बच्चों को भूल सकेगी, नील की पत्नी, उसके बच्चे, अरुण, अपने बच्चे, इन सब की तरफ उठने वाली उंगलियां क्या वह सह सकेगी। नहीं नहीं, इतनी शक्ति अब उसके पास नहीं बची है। काश नील पहले मिलता। रेखा रोई, खूब रोई, कई दिन उलझनों में फंसी रही। उस शाम जब उसने अरुण के साथ पार्टी वाले हॉल में प्रवेश किया तो उसकी आंखें नील को ढूंढ रही थी। उसका मन शांत था, होठों पर उदास मुस्कान थी। डीजे की धूम मची थी,
सुंदर कपड़ों में लिपटी कितनी सुंदरियां थिरक रही थी। पाम के गमले रंग बिरंगे लट्टुओं से चमक रहे थे और खिड़की के पास रखे हुए लैंप स्टैंड के पास नील खड़ा था, हाथ में शराब का गिलास लिए आकर्षक भविष्य के सपनों, आत्मविश्वास और आशंका के मिले जुले भावों में डूबता उतराता सा। अरुण के साथ रेखा वहाँ चली गई। आपके लिए क्या लाऊं? नील ने पूछा। रेखा ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं शराब नहीं पीती। नील कुछ समझा नहीं, हंस कर बोला, मैं तो जानता हूँ आप शराब नहीं पीती, पर और कुछ नहीं? मैं फिर एक बार कह रही हूँ, नहीं, रेखा ने कहा और वहाँ से दूर चली गई। अरुण आश्चर्य से देखता रहा, लेकिन नील सब कुछ समझ गया था।